एक तेरे भरोसे पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राम राम जी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे या फिर आपके यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, अब हम सब एक फैमिली जैसे हैं, तो आपका भी ये यूट्यूब चैनल है। खुश रहिए, मस्त रहिए, मेरे ब्लॉग एंजॉय करते रहिए। तो किस किस को चाय पसंद है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। मॉर्निंग का टाइम है, चाय मैं बना रही हूँ, तो मैंने कहा कि चलो ब्लॉग शुरू कर देते हैं, तो शूट कर लिया मैंने थोड़ा सा। और इसके बाद थोड़ा सा मैं दो चार एक्सरसाइज जो है रेगुलर मॉर्निंग में करती हूँ, तो वही जो है मैं कर रही हूँ अपना। और आप लोग को भी ये करना ही चाहिए मॉर्निंग में, आप इससे हेल्दी रहोगे, अंदर से स्ट्रांग रहोगे और आपको ना मतलब रोगों से लड़ने की शक्ति जो है वो मिलेगी। अब आप लोग कहोगे अगर रोज़ करती हो तो बीमार कैसे पड़ जाती हो, तो डियर मेरी ऐसी शरीर ही है, मैं बचपन से ही बीमार बार बार पड़ती आ रही हूँ, ऐसा मेरा रहा है हमेशा से। तो जैसा जिसका जो रहता है ना जन्म से, तो वैसा चलता है, तो वैसा मेरा रहा है। कुछ ना कुछ बीमारी मुझे लगी रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं इस चीज़ से और ये दूर नहीं हो सकती, मुझे पता है, क्योंकि जिसका जैसा नक्षत्र रहता है ना, तो वैसा उसके साथ होता ही है। और यहाँ पे एक दो एक्सरसाइज जो मैं दिखा रही थी आपको नॉर्मली, ये बहुत ही इजी और अच्छे स्टेप हैं जिनको कि आप लोग रेगुलर कर सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक कर रही हूँ। और इस समय मेरी तबीयत जो है बिल्कुल ठीक है। मैं जो हूँ बनाने जा रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में क्या बनेगा वो अभी दिखा दूँगी क्लिप शूट करके, उतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ। और आज मैं बनाऊँगी हरा आलू ग्रीन पोटैटोज, तो उसकी रेसिपी मैं आज शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से। और ये आलू मैंने चढ़ा दिया है बॉयल होने के लिए, और इसके बाद का आगे का प्रोसेस वीडियो में बने रहिए, ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर उससे पहले मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ठीक है, और लाइक ज़रूर करके जाना। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो कुछ भी ज़्यादा नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, जैसा कि पता ही है ये फ्रेंच आलू हैं, और ये आलू जो है मैंने इसे लंबा लंबा काट दिया था। मेरे पास अरारोट का आटा वगैरह कुछ भी ना, तो थोड़ा सा मैंने चावल का आटा पीस लिया था, उससे भी थोड़ी क्रिस्पीनेस सी आ जाती है, तो उसको बस मिक्स करके इस तरह से इसको फ्राई कर लिया था। साथ में ऊपर से इसमें हल्का सा नमक, आमचूर का पाउडर और लाल मिर्च पाउडर छिड़क लेंगे, तो थोड़ा खाने में टेस्टी और अच्छा लगेगा। तो बस यही किया था और कुछ भी नहीं किया था। शुरू करने जा रही हूँ, तो आपको बता देती हूँ। देखो मैंने एक अदरक लिया है छोटा सा, और कुछ कलियाँ ली हुई है लहसुन की, देख सकते हो आप, और ये लिया है एक मिर्च, धो लिया सब चीज़ों को, और ये ली है खूब सारी हरी धनिया। तो इन सब चीज़ों का हम साथ में पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तेल मैंने जो है वो गरम कर लिया कढ़ाई में, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा ना जीरा डालेंगे, बहुत ही थोड़ा सा जीरा डालूंगी। और थोड़ा मैं लाइट जला दी थी, मैंने लाइट स्विच ऑफ किया था, तो इसलिए थोड़ी रोशनी कम थी, तो मैंने कहा जला देते हैं, अच्छी शूटिंग होगी थोड़ी सी, तो लाइट जला दी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है जीरा, आप देख ही सकते हो। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा ना दालचीनी डालेंगे, दो ही इसकी वो ले रहे हैं डंडी दालचीनी की, और तीन चार लौंग डाल देंगे, और आप चाहो तो तेज़पत्ता भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से है, जो भी मसाले डालने चाहो, बस खाना मस्त बनना चाहिए, लाजवाब बनना चाहिए, है ना फ्रेंड्स। इसके बाद जो ये मैंने पेस्ट बनाया था धनिया लहसुन मिर्च अदरक का,
इसको इसमें ऐड कर देंगे और 2-3 मिनट तक भुनना है। 2-3 मिनट भुनने के बाद इसी टाइम पे इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे ताकि हमारे मसाले भी अच्छे से धनिया के साथ पक जाए। मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच अमचूर का पाउडर और यहाँ 1 चम्मच पूरा ये वाला भर के मसाला, कोई भी मसाला सब्ज़ी वाला आप डाल सकते हो, जो आपका फेवरेट हो, आपके किचन में अवेलेबल हो वो डाल दो। इसके बाद थोड़ा सा ये गरम मसाला मैं ऐड कर रही हूँ एवरेस्ट का, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो ये ऐड कर देते हैं। और इसके बाद आप धनिया का पाउडर भी ऐड कर सकते हो और हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हो, बट मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि जो मैंने सब्ज़ी मसाला डाला था उसमें ऑलरेडी ये सब चीज़ें रहती हैं, तो इसलिए मैंने स्किप किया है। और इसको अच्छे से मिक्स करके देखिए मैंने भुन लिया है मसालों को, तेल अच्छे से छोड़ दिया है मसालों ने। इसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है नमक, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लीजिए जितना भी आप खाते हो। और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए नमक को मसालों के साथ। ऑयल कितने अच्छे से छोड़ दिया है ना, नमक ने ऊपर आ गए, तैर रहे हैं ऊपर नदी की जैसे। और इसके बाद क्या करना है, ये आलूओं को मैंने हाथों से मैश कर दिया था, आपने कहा था ना कि इसे एक चाकू से ना काट के हाथ से मैश करूँ तो इसकी जो ग्रेवी है वो थिक बनेगी, तो मैंने वैसा ही किया, तो इसको हाथों से मैश कर दिया। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। मसाले के एक एक कोट जो है आलूओं पे लग जानी चाहिए और इसी तरह से 2-3 मिनट तक तेज़ आंच पे भूनेंगे। मैंने आंच को तेज कर दिया है और इसको जो है हम भून लेते हैं 2-3 मिनट तक अच्छे से। तो ये भून चुका है बहुत अच्छे से, देखिए फ्रेंड्स। अब क्या करना है, इसको मैं अच्छे से थोड़ा छुड़ा लूँ क्योंकि तले पे थोड़ा बहुत चिपका हो, वैसे चिपका तो नहीं है आप देख ही सकते हो। तो इसके बाद जो है इसमें डाल देंगे पानी, जितना भी पानी आप चाहते हो उतना पानी इसमें ऐड कर दीजिए। और थोड़ी सी थिक ग्रेवी रहेगी तो खाने में ना ये अच्छा लगेगा। तो ये जो रेसिपी है ना फ्रेंड्स, ये मैंने सीखी है अपने स्कूल टाइम में। जी हाँ, स्कूल टाइम में जब मेरा स्कूल बदल गया था, मेरे स्कूल की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मेरे कई सारे स्कूल जो हैं बदले हैं, अगर आप सुनना चाहोगे तो मुझे बताना। तो जो मेरा सेकंड स्कूल था ना, जहाँ पे वो हिंदी मीडियम था, तो वहाँ पे जो है होम साइंस मैंने लिया हुआ था, तो वहाँ पे जो है इस तरह से रेसिपी का ना प्रैक्टिकल वगैरह होता था। तो हम लोग आलू उबाल के ले जाते थे, चटनी बना के ले जाते थे, वहाँ पे स्टोव मिलता था छोटा सा, उसी पे चीज़ों को बना के मैम को टेस्ट कराना कि कैसा है ये वो। तो वहाँ से ही मैंने ये सीखा हुआ है, बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है, आप लोग बनाना ट्राई करना, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स ये शाम का टाइम हो गया, खाना वाना खा के तो आप जानते हो हम सो जाते हैं, तो सो गए थे। तो शाम को उठी हूँ तो मैंने कैमरा लगाया और जितने भी कपड़े बाहर थे जो सूख गए थे उन सबको मैं अंदर ले आती हूँ और फिर इसके बाद इनको लपेटने के लिए ना बैठ जाऊँगी। और यहाँ पे आज मैं अपने कमरे में जो है बैठी हूँ लपेटने के लिए, क्योंकि अच्छी हवा आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए हवा इसलिए अच्छी आ रही थी, जैसा कि आपको पता है कितना ज़्यादा तूफ़ान वगैरह जो है आ रहा है काफ़ी शहरों में। बंगाल में सबसे ज़्यादा इस चीज़ को जो झेल रहे हैं, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और दिक्कत में है। तो बस आप सब लोग भी दुआ करिए कि वो लोग अच्छे से हों, अच्छे से सही सलामत हो, सब कुछ सही रहे, अच्छे से निकल जाए तूफ़ान, किसी को कुछ भी नुकसान ना हो। अब दुआ ही कर सकते हैं हम लोग, और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ना दुआ में बहुत ताकत होती है, तो दुआ करिए सब ठीक हो। और मैक्स को देखिए कैसे जो है वो मुँह खोल रहा है, मतलब उसे या तो गर्मी लगी होगी या प्यास लगी होगी, तो अभी मैं उसे पानी दूंगी क्योंकि उसका पानी भी ख़त्म है, तो हो सकता है उसे प्यास लगी हो, तो मैं इसको लपेट के फिर उसको पानी दे दूंगी, सारे कपड़ों को रख दूंगी जगह पे ले जाके। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना खरबूजा, कुछ खरबूजा मतलब कि मैंने काट के रख दिया था मम्मी के लिए, जो कि मम्मी ने नहीं खाया था, तो फिर मैंने जो है इसमें थोड़ा सा काला नमक छिड़का और इस तरह से बैठ गई काट के, मतलब खाने के लिए काटे वाले चम्मच से। तो ये वाले चम्मच से बड़ा अच्छा रहता है, कोई भी फल आप काट लो और इस तरह से चम्मच से खाओ ना तो बड़ा इजीली रहता है। फ्रूट चाट भी आप बना के खा सकते हो, जिन लोगों को फ्रूट खाना पसंद नहीं है ना तो वो फ्रूट का चाट बना के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी यम्मी लगता है। मैं उसकी भी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, अगर आप चाहोगे तो मुझे मैसेज आना चाहिए 3-4-5 मैसेज कि हाँ फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर करो। आप लोग मैसेज बहुत कम करते हो, कोई चीज़ मतलब करो, कोई चीज़ खाना हो तो उसका भी डिमांड करो हाँ ये बना के खिलाओ। तो रात के खाने में फ्रेंड्स देखिए मैंने बनाई है दाल और रोटी और साथ में है मिर्ची का अचार, तो यही हम लोग रात का डिनर करेंगे। तो चलिए अब मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, बोलते बोलते मैं थक गई हूँ। हेलो
हाँ तो फ्रेंड्स, अब मैं बैठी हूँ ब्लॉग का एंड करने के लिए और गर्मी बहुत हो रही है, हवाएं भी चल रही है मतलब बाहर, और गर्मी भी हो रही है, उमस सी हो रही है। और अब मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर का नाम ले लेती हूँ यहाँ पे। तो हमारी एक है एंजल अर्स कौर जी, तो मैंने इसमें स्क्रीन शॉट ले लिया था। तो एंजल अर्स कौर जी हमें कहती हैं सब अच्छे सब्सक्राइबर हैं, बस मेरा ही नाम नहीं आता डियर। तो ऐसी कोई बात नहीं डियर, मेरे लिए जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं ना सब अच्छे हैं और सब मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं और सबको मैं इज्जत सम्मान देती हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और एक है हमारी सोनम सोना, तो ये कहती है नाइस ब्लॉग, कभी हमारा भी नाम लिए लिया करो, हम भी रेगुलर आपकी वीडियो देखते हैं। तो थैंक यू सो मच सोनम सोना जी कि आप हमारी रेगुलर वीडियो देखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा जान के। और एक है हमारी चांदनी दुबे जी, उनका मैं यहाँ स्क्रीन शॉट लगा रही हूँ, इतनी अच्छी बात उन्होंने लिखी ना कि देख के मुझे, मैं रह नहीं पाई, मैंने चुन लिया तुरंत कि मैं इनका ही स्क्रीन शॉट लगाने वाली हूँ। तो इन्होंने लिखा था कि डियर अपने ऊपर भी ध्यान दिया करो, औरतें ज़्यादातर घर परिवार की सेवा में, देख रेख में, देखभाल करने में, घर संभालने में अपने ऊपर ध्यान देना भूल जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ जो है ख़राब हो जाती है। तो आप प्लीज़ अपने पर भी ध्यान दिया करो। तो उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं स्क्रीन शॉट लगा रही हूँ। ये मेरे ही लिए नहीं, मैं आप सबके लिए भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप दिन भर में 12, 13, 14, 15 जितने भी घंटे घर का काम करते हो करो, बट उसमें से एक घंटा अपने लिए ज़रूर निकालो। जैसे कि आप एक्सरसाइज करो कुछ देर के लिए, आप जो है अपनी डाइट में थोड़ा सा अंतर करिए, जैसे कि 5 मिनट बैठ के कुछ हेल्दी चीज़ खाइए, जैसे कि फ्रूट हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, वाटर पीजिए, दूध पीजिए, इन सब चीज़ों को शामिल करिए, और शाम के टाइम पे वॉक पे ज़रूर जाइए। तो कुछ चीज़ों को अपने लाइफ में जो है शामिल करिए, घर के परिवार से टाइम निकाल के। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही थी कि ये बात बिल्कुल सच है कि औरतें जो है ना घर परिवार की देखभाल में ना अपने आप को ध्यान देना भूल जाती हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी, तो मैं यहाँ इसलिए उनका स्क्रीन शॉट लगा रही हूँ। और प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच करिए आप लोग, साथ में आप लोग मेरी वीडियो को ना शेयर भी कर दिया करो। मेरे ब्लॉग्स वाला चैनल है, तो आप लोग के फैमिली मेम्बर्स बहुत से ऐसे होंगे जो ब्लॉग्स देखना पसंद करते होंगे, तो वो देख सकते हैं। जैसे कि फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, इंस्टा पे शेयर कर सकते हो, व्हाट्सअप पे भी शेयर कर सकते हो, एंड जिस भी सोशल अकाउंट में आप ऐड हो वहाँ पे शेयर कर सकते हो। मेरे ख्याल से यही 3 मेन अकाउंट होता है जहाँ लोग होते हैं, ज़्यादातर एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे आप शेयर कर देना, उससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी, एक नहीं तो दो नहीं तो एक ही सही, बट कोई ना कोई तो आएगा, एक ही सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत है। तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिएगा, बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी मुझे। और एक छोटा सा मैसेज, अगर आप किसी बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हो ना, तो अगर आप एक छोटा सा मैसेज उनके चैनल पे कर दोगे कि हाँ मैं हूँ, एक मेरा चैनल है, बहुत सालों से मेहनत कर रही हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ, मेरे चैनल के बारे में लिख दोगे, मेरे चैनल का नाम लिख दोगे हैशटैग लगा के, तो लोग विज़िट करेंगे मेरे चैनल तक, आएंगे उनको जब पता चलेगा। तो ऐसा अगर कर सकोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। मेरे पास तो उतना फ़ोन आईडी नहीं है कि मैं कर सकूं, आप कर सकते हो तो प्लीज़ अगर कर सकते हो तो कर देना इतनी सी हेल्प। तो अब मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड, और जितना भी आप लोग मेरे जो भी करोगे उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। करती हूँ ब्लॉग का एंड, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।